हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी एंड आल्सो इन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़ तो जैसा कि फ्रेंड्स आप थंबनेल में देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच के प्रीवियस पेपर के एच टी एम और एम एस ऑफिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि आने वाले जो आई टी पोस्ट को नौ सौ उनतालीस का एग्जाम है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर वन

ए वाला जो है ये बाइनरी सर्च ट्री है ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कंपेरिजन ऑपरेशन विल बाइनरी सर्च एल्गोरिदम टेक टू सर्च द एलिमेंट सिक्स इन द एरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन दी गई एरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन में अवियव सिक्स को सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कितने कंपेरिजन ऑपरेशन लेगा तो देखिये अवय सिक्स जो दिया गया है इसको सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है ये टू कंपेरिजन ऑपरेशन लेगा बी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर निम्न में से कौन सी डाटा संरचना को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट संरचना भी कहते हैं ऑप्शन है ट्री एरे क्यू या फिर स्टैक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट संरचना कहते हैं क्यू को देखिए सी वाला ये राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट पुश एंड पॉप ऑपरेशन निम्न में से कौन सी डाटा संरचना पुश तथा पॉप को सपोर्ट करती है ऑप्शन देखिए क्यू ट्री लिंकर लिस्ट या फिर right स्टैक ऑपरेशन ये, right ये जो है ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है नेक्स्ट देखिए डाटा स्ट्रक्चर फॉर सम प्रोसेसिंग इज कार्ड कुछ प्रोसेसिंग के लिए एक डाटा संरचना के प्रत्येक अवयव की मुलाकात कहलाती है ऑप्शन देखिए सॉर्टिंग बैलेंसिंग सर्चिंग या फिर ट्रैवर्सिंग तो इसमें देखिए राइट आंसर हमारा होगा ट्रैवर्सिंग देखिए डी वाला ये राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर निम्न में से कौन सी एक रेखी डाटा संरचना है ऑप्शन देखिए ट्री ही फिर क्यू राइट आंसर इसमें होगा फ्रेंड्स क्यू डी वाला देखिए राइट आंसर होगा क्यू जो है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री डाटा स्ट्रक्चर निम्न में से कौन सा पद ट्री डाटा संरचना के साथ संबंधित नहीं है ऑप्शन देखिए हाइट रूट फ्लावर या फिर लीव तो इसमें देखिए फ्लावर जो ये टर्म है ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर से एसोसिएट संबंधित नहीं है देखिए सी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए इन विच डाटा स्ट्रक्चर ईच नोड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर किस डाटा संरचना में प्रत्येक नोड में निम्न संरचना होती है तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर दिया गया है तो ये किस डाटा संरचना में होती है तो ऑप्शन देखिए डब्लू लिंकड लिस्ट ट्री ग्राफ या फिर लिंकड लिस्ट राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका लिंकड लिस्ट में देखिए डी वाला ये राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी चिल्ड्रन डज अ अ लीफ नोड ऑफ बाइनरी ट्री हैव एक बाइनरी ट्री के एक लीफ नोड में कितने चिल्ड्रन होते हैं ऑप्शन देखिए नन वन टू या फिर थ्री राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नन कोई भी नहीं एक बाइनरी ट्री के एक लीड नोड में कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते हैं ए वाला यहाँ राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वैलिड यू आर एल निमन में से कौन सा एक अमान्य यू आर एल है देखिए ये यू आर एल दिए गए हैं चार इनमें से कौन सा जो है इनवैलिड वैलिड यू आर एल है तो देखिए इसमें राइट right आंसर होगा बी वाला देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एच टी टी पी माई साई डॉट कॉम ये वाला यू आर एल जो है इनवैलिड इनवैलिड यू आर एल है तो बी वाला ये राइट right आंसर होगा नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स एच टी एम एल से रिलेटेड क्वेश्चन एच टी एम एल एच टी एम एल की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसको इन्वेंट किया है टीम बर्नस ली ने किसने इन्वेंट किया है टीम बर्नस ली ने तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी सिक्स है व्हाट इज द एच टी एम एल टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट एक एच टी एम एल दस्तावेज में लाइन ब्रेक दाखिल करने के लिए एच टी एम एल टैग है तो देखिए चार टैग दिए गए हैं इसमें लाइन ब्रेक दाखिल करने के लिए कौन सा एच टी एम एल टैग होगा तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा टैग बी आर देखिए ए वाला ही राइट आंसर होगा टैग बी आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एच टी एम एल टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज एक वेब पेज में एक इमेज दाखिल करने के लिए कौन सा एच टी एम एल टैग प्रयुक्त होता है वेब पेज में इमेज दाखिल करने के लिए इंसर्ट करने के लिए देखिए चार टैग दिए गए हैं तो राइट आंसर होगा इसमें टैग आई एम जी देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा ये वाला टैग जो है एक वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एच टी एम एल एलिमेंट्स इन वेब पेज एक बेब पेज में एच टी एम एल अवयवों की स्टाइलों को वर्णन करने के लिए निम्न में से किस भाषा का उपयोग होता है ऑप्शन देखिए जावा सी एस एस पी एच पी या फिर जावा सिक्रिप्ट राइट आंसर होगा स्प्रैंड सी एस एस बी वाला देखिए राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एट्रीब्यूट ऑफ एच टी एमएल टैग इज यूज टू स्पेसीफाई द यू आर एल ऑफ द हाइपर लिंक हाइपरलिंक के यू के विवरण के लिए एस टी ए टैग का कौन सा एट्रीब्यूट प्रयुक्त होता है तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एट्रीब्यूट यूज होगा ए आर ई एफ ए वाला देखिए राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू मर्ज टू एडज सेल्स ऑफ अ टेबल रो इन एस टी एम एल एच टी एम एल में एक टेबल की पंक्ति के संलग्न निकट बरती दो सेलों को मर्ज कैसे करेंगे तो उनको मर्ज करेंगे देखिए यूजिंग कॉल स्पैन एट्रीब्यूट से देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी पी देखिए एच टी टी पी प्रोटोकॉल को किसने इन्वेंट किया है कौन इसका आविष्कारक है ऑप्शन देखिए टीम बर्नस बिंटोन सर्फ चार्लस बेबेज या फिर बॉब काहन तो फ्रेंड्स एच टी टी पी हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया है टीम बर्नर्स ने देखिए ए वाला ये राइट right आंसर होगा इसके साथ देखिए टीम बर्नर्स ने एच टी टी पी को भी एच टी एम एल लैंग्वेज हो उसको भी इन्वेंट किया है और साथ में डब्ल्यू 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 जो है डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब इसको इन्वेंट किया है टीम बर्नसली और रॉबर्ट कैलियो ने इसके साथ देखिए बिंटन सर्फ और बॉब कहान जो है बिंटन सर्फ और बॉब कहान इन दोनों ने इन्वेंट किया है इंटरनेट को किसको इंटरनेट को इन्वेंट किया है बिंटन सर्फ और बॉब कहान ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है ऑप्शन देखिए क्रोम फाइल जिला एपाची या फिर थर्ंडर तो फ्रेंड्स एक पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो है वो एपाची एच टी पी एच टी टी पी इसमें देखिए सी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए डैश एंड डैश आर द फॉर्म डाटा सबमिशन मैथड इन एच टी टी पी एच टी टी पी में डैश द डैश फॉर्म डाटा सबमिशन मैथड है तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर इसमें होगा गेट एंड पोस्ट गेट एंड पोस्ट आर द फॉर्म डाटा सबमिशन मेथड इन एच टी टी पी सी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट निम्न में से कौन सी एक एच टी एम एल दस्तावेज की सही संरचना है देखिए एच टी एम एल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये तो कौन सा इसमें सही होगा तो इसमें देखिए सही वाला जो है वो डी वाला स्ट्रक्चर देखिए ये देखिए ये वाला जो है एच टी एम एल स्ट्रक्चर जो है ये सही स्ट्रक्चर है बाकी ये तीनों जो हैं ये गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल सी एस एस फाइल इन एन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट एक एस टी एम एल दस्तावेज में आप एक बाहरी सी एस एस फाइल कैसे जोड़ेंगे देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सी एस एस फाइल को जोड़ेंगे यूजिंग टैग लिंक एलिमेंट्स के द्वारा देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वाह ट्यूब का उपयोग होता था तो देखिए ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ निर्वाह ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखिए ए वाला ये राइट right आंसर होगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर शेयर करें देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थी उसमें किसका उपयोग होता था साथ में देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी किसका उपयोग होता था और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी ये वाले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में जरूर डिस्कस किए हैं इनके आंसर तो प्लीज़ इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें नेक्स्ट देखिए वट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग सी पी यू प्रोसेसिंग स्पीड सी पी यू प्रोसेसिंग स्पीड नापने की इकाई कौन सी है ऑप्शन देखिए गीगा हार्टज़ एफ पी एस डी पी आई या फिर जी बी तो सी पी यू प्रोसेसिंग स्पीड को नापने की इकाई है गीगा हार्टस देखिए ए वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन अ कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी का प्रकार है ऑप्शन देखिए कैशियर मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी देखिए ए वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द यूजर टू चेंज द प्रियोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रणाली में एक यूजर को बूटिंग विकल्प की प्राथमिकता में बदलाव की सुविधा देता है ऑप्शन देखिए बी आई ओ एस बायोसेटिंग सिस्टम रजिस्ट्री कंट्रोल पैनल या फिर सिस्टम रिकवरी राइट आंसर इसको बायो सेटिंग ए वाला देखिए राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ए एल यू इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट निम्न में से किसका मूलभूत भाग है मेमोरी सीपी यू इनपुट आउटपुट या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ये भाग है सीपीयू का देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं ऑप्शन देखिए सी डी रोम रैम मैग्नेटिक टेप्स या फिर हार्ड डिस्क तो देखिए इसमें राइट right आंसर हमारा होगा रैम बी वाला देखिए राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी ये मेमोरी जो है इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं बाकी तीनों देखिए सी डी रोम मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क ये जो है सेकेंडरी मेमोरीज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल सी डी इन कॉन्टेक्स्ट विद कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में एल का पूर्ण रूप क्या है एलसीडी की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं एल की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा इसके साथ देखिए कई बार एलईडी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटेड डायोड नेक्स्ट क्वेश्चन बच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट कुछ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण प्रयुक्त होता है ऑप्शन है स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो वो वाला डिवाइस है प्रिंटर देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस निम्न में से कौन सी कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की सही सूची है तो देखिए ये लिस्ट दी गई है कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की तो सही वाली सूची कौन सी है तो देखिये चार ऑप्शन में जो सही सूची है वो है कीबोर्ड माउस और स्कैनर डी वाला देखिए राइट आंसर है कीबोर्ड माउस स्कैनर ये इनपुट डिवाइस हैं जबकि ये देखिए इसमें पहले में देखिए कीबोर्ड प्रिंटर स्कैनर तो इसमें प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है दूसरा देखिए माउस प्लॉटर स्कैनर इसमें देखिए प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है सी में देखिए कीबोर्ड माउस प्लॉटर इसमें देखिए प्लॉटर फिर आउटपुट डिवाइस आ गया तो सही सूची जो है वो कीबोर्ड माउस और स्कैनर ये तीनों जो है ये इनपुट डिवाइस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड इज एक कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न मेमोरी के प्रकार उनकी गति के अनुसार बढ़ते क्रम में देखिए मेमोरी टाइप दी गई है उनकी गति के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन से होंगे तो वो हैं देखिए सेकेंडरी स्टोरेज रैम और कैशे देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज रैम और कैशे मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन मोनिटर स्क्रीन इज कॉर्डिट्स

ये एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जबकि ए जो है वीडियो फाइल फॉर्मेट है पीडीएफ जो है डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है और जेपी जो है पिक्चर फाइल डॉक्यूमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल डिजिटल इमेज इमेज फाइल फाइल फॉर्मेट फॉर्मेट निम्न में से कौन सा एक नहीं है देखिए चार फॉर्मेट दिए गए हैं इसमें से जो डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है वो है पीडीएफ देखिए बी वाला राइट आंसर होगा पीडीएफ जो है एक डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है जबकि ये तीनों जो है डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर इमेज एडिटिंग इमेज एडिटिंग के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रयुक्त होता है इमेज एडिटिंग के लिए इसमें होगा होगा. देखिए, देखिए वाला इमेज एडिटिंग के लिए फोटोशॉप जो है वो यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन बीच मेल्स आर अनसोलिस्टेड ई मेल मैसेज यूजली एडवर्टाइजमेंट सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ निम्न में से कौन से मेल अपार्थित ई मेल मैसेज सामान्यतः विज्ञापन है जो प्रापक की बड़ी संख्या को भेजा जाता है ऑप्शन बॉर्न ब्लॉग स्पैम या फिर ट्रॉजन तो वो वाली ई मेल होती है स्पैम देखिए सी वाला राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द एप्लीकेशन ऑफ आई सी टी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन आई सी टी की एप्लीकेशन जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए है तो कौन सी वो आई सी टी की एप्लीकेशन है ऑप्शन देखिए ई गवर्नेंस ई बैंकिंग ई मेल या फिर ई कॉमर्स राइट आंसर होगा वो वाली है ई गवर्नेंस देखिए ए वाला राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल टू डिराइव न्यू क्लासेस बाय एक्सटेंडिंग द एक्स्टिंग क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बैगुण जो प्रवर्तनमान क्लासेज का प्रसार करने के लिए क्लास प्राप्त करने को समर्थ करता है तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इन देखिए सी वाला ये राइट right आंसर है इन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ स्पेशल मैथड ऑफ अ क्लास विच इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वैन एवर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड एक क्लास की वह विशिष्ट मेथड कौन सी है जो अपने आप कार्यान्वित होती है जब क्लास का नया ऑब्जेक्ट निर्मित होता है ऑप्शन कंस्ट्रक्टर स्टैटिक डिफॉल्ट या फिर लेमंडा तो राइट आंसर इसको ऑफर है कंस्ट्रक्टर वाला देखिए राइट आंसर है नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है चार स्टेटमेंट्स दी गई है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग तो एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो वो वाली स्टेटमेंट है ए वाली देखिए इट सपोर्ट्स द कॉन्प्ट ऑफ प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये वाली स्टेटमेंट जो है पूर्व संसाधित निर्देशों की अवधारणा को समर्थन देता है ये वाली स्टेटमेंट है जो गलत है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग बाकी ये तीनों जो हैं ये सही हैं जावा डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स ये भी सही है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी सही है द कोड प्रोड्यूस्ड बाय द जावा कंपाइलर इज कार्ड बाइट कोड ये वाली स्टेटमेंट भी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटर इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास निम्न में से कौन सा एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट निर्माण करने के लिए जावा में एक ऑपरेटर है ऑप्शन न्यू क्रिएट एक्सटेंड्स या फिर ट्राई राइट आंसर होगा न्यू ऑब्जेक्ट देखिए ए वाला राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर इन अ जावा क्लास निम्नलिखित में से कौन सा एक जावा क्लास में एक एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर नहीं है तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए हैं प्राइवेट प्रोटेक्टर टरी या फिर पब्लिक इसमें से प्रोप्राइटरी जो है एक एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर नहीं है जावा क्लास में देखिए सी वाला ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेट ऑफ एमएस ऑफिस सूट निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का घटक नहीं है ऑप्शन है एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड या फिर डॉस ऑब्वियसली इसमें डी वाला राइट आंसर होगा डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला जो है एमएस ऑफिस का एक कॉम्पोनेंट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन

राइट right आंसर इसका फ्रेंड्स होगा ऑल ऑफ दिस सभी देखिए डी वाला राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द एंड ऑफ एन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है देखिए चार शॉर्टकट की दिए हैं इसमें से डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड जो है ये शॉर्टकट की यूज होती है सी वाला राइट आंसर होगा तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली